ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में भारतीय टीम को 32 रनों से हराकर 5 मैचों की वनडे सीरीज में अपनी दावेदारी बनाए रखी है। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर भारतीय टीम को 314 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में पूरी भारतीय टीम 281 रनों पर ही सिमट गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम को कप्तान एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 193 रनों की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका पारी के 32वें ओवर में लगा, जब भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कप्तान एरन फिंच को 93 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन दूसरे एंड पर बल्लेबाजी कर रहे उस्मान ख्वाजा भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगा रहे थे। उस्मान ख्वाजा ने अपना पहला शतक लगाते हुए 104 रनों की पारी खेली। ख्वाजा को शमी ने पारी के 39वें ओवर में आउट किया। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मैक्सवेल शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 31 गेंदों में 47 रनों की तेज पारी खेली। साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम के बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन महज 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए। धवन को रिचर्डसन ने मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अगले ही ओवर में टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी सस्ते पे निमट गए। रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने LBW किया। तो वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने भी निराश किया। रायडू को सिर्फ 2 रन पर पैट कमिंस ने क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद कप्तान कोहली और MS धोनी ने चौथे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी करके टीम इंडिया को संभालने की कोशिश की। धोनी को एडम जंपा ने क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को जोरदार झटका दिया। धोनी के आउट होने के बाद क्रीज पर कोहली का साथ देने उतरे केदार जाधव भी 26 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर LBW आउट हो गए। एक तरफ कप्तान कोहली टिके हुए थे और अपने 41वें शतक की तरफ बढ़ रहे थे। पारी के 35वें ओवर में कोहली ने 41वें वनडे सेंचुरी पूरी की, लेकिन भारत को जीत दिलाने में नाकाम रहे और पारी के 38वें ओवर में टीम इंडिया को कप्तान कोहली के रूप में छठा झटका लगा। कोहली को एडम जंपा ने आउट किया। कोहली ने 95 गेंदों में 16 चौके और 1 छक्के की मदद से 123 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद 43 ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन लॉयन ने विजय शंकर को रिचर्डसन के हाथों कैच आउट कराया। शंकर ने 30 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। तो वहीं पारी के 47 ओवर में टीम इंडिया को रविंद्र जडेजा के रूप में 8वां झटका लगा। उन्हें रिचर्डसन ने मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद मोहम्मद शमी को रिचर्डसन ने कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर भारत को 9वां झटका दिया। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए उस्मान ख्वाजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ख्वाजा ने 113 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली।